हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाली किचन करिश्मा। तो चलिए आज हम बनाते हैं ब्रेड रोल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं 3। इसमें मैं एक प्याज, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, रफली चॉप करा हुआ है। उसके बाद इसमें अपन को सूखे मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर आधी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा इसमें अपन ये चाट मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद इन सबको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने ब्रेड ले ली है। ये ब्रेड को तोड़कर मैंने 4 स्लाइस लिए। पहले मैं अभी इसमें दो या तीन स्लाइस ही ऐड करूंगी, उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी। और बाइंडिंग के लिए ऐड करी है मैंने ये। अच्छे से इसको इस तरीके से तोड़कर मैंने 2 ब्रेड ऐड कर दिए इसमें। एक ब्रेड और मिला रही हूं मैं इसमें। तीन उबले हुए आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज के, उसमें मैंने 3 ब्रेड स्लाइस मिला दी है। कोई भी ब्रेड मिला सकते हैं आप, व्हाइट या ब्राउन। ये मुझे जरूरत नहीं है इस ब्रेड की। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी इस पर बाइंडिंग आ गई है, अब और ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ मिलाने की इसमें। तो देखिए ये रेडी है। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम ले लिया है, 2 ब्रेड को मिक्सी में बहुत ही अच्छे से बारीक पीस लिया है। उसके बाद अपन इस तरीके से छोटी छोटी लोई लेंगे। कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से बनाते हुए इसको ब्रेड क्रम में कोट कर देंगे अच्छे से। और इसको एक प्लेट में रख देंगे। तो देखिए बनकर के रेडी है, ऑयल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसको ऑयल में डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखेंगे।
तो देखिए ये फ्राई होकर के एकदम रेडी है, मैं इनको निकाल रही हूँ। तो देखिए ये रेडी है, इस तरीके से अपन सब फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही झटपट बन गए हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, इनको इवनिंग स्नैक में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में किसी में भी ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप हरे धनिए की चटनी के साथ खाना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही टैम्पटिंग लग रहे हैं ये, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी न्यू एंड हेल्दी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इन्जॉय, बाय, थैंक यू।